बस 2 दिन का ही वक्त मिला है। पंडित ने बोला है कि अगर अभी शादी नहीं हुई तो 8 महीने तक कोई शादी नहीं होगी, कोई मुहूर्त नहीं है, या मतलब 8 महीने के बाद कोई मुहूर्त आएगा। तो वेदिका के चक्कर में फंस रही है, तो मुझे तो किसी तरीके से आनंद फानंद शादी करवानी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में छोटा सा जैसे भी रैप अप करना है कैसे भी, तो हल्दी का थोड़ा छोटा सा एक फंक्शन कर रहे हैं हम लोग, हल्दी और मेहंदी एक साथ ही। हल्दी लगा रही है लेकिन साहिल कहीं ना कहीं नाखुश और उदास से लग रहे हैं। ऑफकोर्स वो इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि मैंने उसको बहुत धमकियाँ और अन इमोशनल अत्याचार करके उसको फंसाया कि भाई माँ चाहिए कि नहीं, माँ का प्यार दुहाइयाँ देख देख कर। बेचारा मान तो गया है इसलिए वो शादी कर रहा है, लेकिन दुखी अंदर से, और क्योंकि वो दुखी है इसलिए मैं भी दुखी हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है अभी दुखी है, खुश हो जाएगा अपने आप। ओके, तो माँ का कहीं ना कहीं ये कहना है कि भले किसी भी अंदाज में या किसी भी वे में मान गए हैं तो शादी हो जाए तो एक बार निपट जाएगा। हाँ, जो ये माँ बाप जानते हैं कि उन बच्चों के लिए अच्छा क्या है। अब जैसे कि बच्चा बीमार है या उसको आइसक्रीम नहीं खानी है या उसको कोई कड़वी गोली देनी है, तो सब कोई और सोचेगा तो सोचेगा यार अपने बच्चों को कड़वी गोली दे रही है, बच्चा भी कहेगा मुझे कड़वी गोली खिला रहे हो। लेकिन कड़वी गोली से अगर बुखार उतरता है तो कड़वी गोली दी जाती है। ओके, यही बड़ा ही अच्छा सा स्वागत भी किया जा रहा है यहाँ पर। आप हल्दी मतलब उतरन वाली हल्दी लेकर आई हैं साहिल को लगाने के बाद, स्वागत हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट आने वाला है हमने सुना है। हाँ, यहाँ पर अब देखें, इंसान तो बहुत कोशिश करता है कि उसे, वो सोचता भी बहुत है, कोशिश भी करता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आने वाला है बहुत सारा। थोड़ा हिंट दे कि क्या होने वाला है। बस ये हल्दी उसे ही लगेगी जो जिस जो जो उसकी मन की दुल्हन होगी।